हमने गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ा था कि अनंत लंबाई के चालक तार के निकट किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई की समतल चद्दर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि हमारे पास एक समतल चद्दर है, उस चद्दर पर आवेश जो है समान रूप से वितरित है, उसके निकट किसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम डायग्राम को समझ लेते हैं, डायग्राम समझने से ही हमारा आधा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये ब्लैक से जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ये हमने माना है कि एक समतल चादर है। चादर के पे बिंदु O है, O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बिंदु O से उसी R सेम R मीटर की दूरी पर दूसरा बिंदु P डैश मान लेते हैं और P और P डैश से होकर गुजरने वाले एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पर जब हम P और P डैश से होकर गुजरने वाला एक गाउसीय पृष्ठ ड्रॉ करेंगे तो ये गाउसीय पृष्ठ हमारा कैसा बनेगा, बेलनाकार बनेगा। अब बेलंगे कितने पृष्ठ होते हैं, 3 पृष्ठ। पहला ये हो जाएगा, दूसरा और ये तीसरा, 3 पृष्ठ हो गए, 1, 2, 3। जैसे ये है 1, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, पहला पृष्ठ हमने आप बिंदु P पर मान लिया, P पर हम एक छोटा सा क्षेत्र मानते हैं S। यहाँ पर ध्यान देना, मैंने जो क्षेत्र मान रखा है वो S मान रखा है, डेल्टा S या DS नहीं मान रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन देखेंगे तो कहाँ होगी, वो बाहर की तरफ होगी, प्लस आवेश के कारण कहाँ होती है, बाहर की तरफ। और जो अल्पांश क्षेत्रफल S है, इसके क्षेत्र वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ। यानी E और DS के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 0 डिग्री। सेम यहाँ पर भी क्या होगा, छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया S, यहाँ पर क्षेत्र वेक्टर की डायरेक्शन वेक्टर DS का है बाहर की तरफ, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन भी का है बाहर की तरफ। दोनों के बीच बनने वाला एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हो गया, ये हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट पे भी हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा अल्पांश क्षेत्रफल S मान लिया, क्षेत्र वेक्टर की डायरेक्शन का होगी ऊपर की तरफ और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन का होगी इस तरफ या इस तरफ। तो यहां पर DS और E क्या है, एक दूसरे पर लंबवत है, तो यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक हो गया। अब हमने जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं एक बार। माना अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित चादर है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ये आपको पहले भी पढ़ा दिया है कि पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाती है। सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा बराबर क्यू अपॉन एस। एस क्या है, यहाँ पर हमने चादर का क्षेत्रफल मान रखा है। यहां से जब हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो एस कहाँ चला जाएगा, सिग्मा के साथ, Q बराबर सिग्मा S, S क्या है, चादर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर वही चादर के बिंदु O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए चादर के दूसरे ओर एक अन्य बिंदु P डैश लेते हैं तथा P एवं P डैश से होकर गुजरने वाले एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं। यदि बेलन के सिरों का क्षेत्रफल S हो तब गॉस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, इस चैप्टर में जो भी पढ़ेंगे उसकी शुरुआत देखना किस फॉर्मूले से होगी, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन E डॉट वेक्टर E डॉट DS, और क्यू की जगह पे क्या आ जाएगा, अभी हमने पढ़ा क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, सिग्मा एस। तो क्यू की जगह पे हमने लिख दिया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे कि हमारे 3 पृष्ठ हैं तो इसको हम 3 पृष्ठों में लिखेंगे। पृष्ठ 1 इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट वेक्टर ई डॉट वेक्टर DS, सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर DS प्लस थर्ड पार्ट इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट DS इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी ये फर्स्ट पार्ट का समाकलन होगा, ये सेकंड पार्ट के लिए, ये थर्ड पार्ट के लिए।
अब क्या करेंगे, फैक्टर फॉर्म को ओपन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ईडीएफ कॉस थीटा, ईडीएफ कॉस थीटा, और यहाँ इसका भी क्या हो जाएगा ईडीएफ कॉस थीटा। अब हमें क्या देखना है कि हमारे थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा क्या है पहले के लिए, फर्स्ट के लिए 0 डिग्री, सेकंड के लिए भी 0 डिग्री क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, और थर्ड के लिए क्या है 90 डिग्री क्योंकि ई और डीएस क्या है एक दूसरे पर लंबवत है। तो फर्स्ट के लिए थीटा बराबर 0 डिग्री रख दिया, सेकंड के लिए भी थीटा बराबर 0 डिग्री रख दिया, और थर्ड के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो इंटीग्रेशन ईडीएफ कॉस 0 की जगह 1, सेकंड पार्ट इंटीग्रेशन ईडीएफ कॉस 0 की जगह 1, और कॉस 90 के लिए पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 है, 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा 0 और बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमने क्या किया, दोनों में से ES को E को क्या करेंगे बाहर ले आएंगे, बाहर लिख दिया E इंटीग्रेशन DF प्लस E इंटीग्रेशन DF बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या करेंगे, DS का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी DS का, यहाँ पर भी DS का क्या होगा समाकलन होगा, समाकलन करने पर क्या आएगा F, F क्यों आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना मान रखा है F, शुरू से ही हम पृष्ठ कितना मानते हुए आए हैं S मानते हुए आए हैं, तो जब DS का इंटीग्रेशन होगा तो S आ जाएगा, यहाँ ES प्लस ES बराबर सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे 2 ES बराबर सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या आएगा 2E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से जब हम 2 को नीचे भेज देंगे तो E बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हमारा किसका फॉर्मूला निकल के आया है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी समतल चादर के कारण उसके निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकल के आया है। दोनों टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा।